अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चिकन को मैरिनेशन कर रहे हैं, जिसमें देखिए मैंने नमक डाल दिया है। इसमें सिंपल घर वाले मसाले डालेंगे, साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर मैंने डाला है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गर्म मसाला पाउडर डाला है, थोड़ी मैंने सूखी मिर्च पाउडर डाली है इसके अंदर, और थोड़ा सा सूखा पिसा हुआ धनिया डाल दिया अंदर मैंने। साथ में इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पाउडर भी डाला था, थोड़ा सा चिली सॉस भी डाल दिया अंदर। तो बस ये चीज़ें सब डाल के तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर टच दिया है तिक्का मसाले का, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला भी ऐड किया है। तो बस ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ बताती चलो, चैनल पे नहीं है तो जल्दी से चैनल को करें जी सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, आपका हमारे लिए प्यार होता है। आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते। अच्छा जी, इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, वो मैं भूल गई थी, मुझे याद आया। और थोड़ी सी इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मेरे पास पुदीने की चटनी पड़ी थी, वैसे कि पुदीने वाली दही मैंने वही दो चम्मच डाल दिए थे। बस वो मैरिनेशन चिकन की रेडी हो गई। अब एक और चिकन की मैरिनेशन रेडी कर रही हैं। सिंपल चिकन की बड़ी बड़ी सी बोटियाँ ली हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाला है, थोड़ा सा सूखा धनिया, सूख मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक। बस ये जो सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह से बस इसे मिक्स कर लेंगे और इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी जी कॉर्न स्टार्च, 2 टेबलस्पून डाला, इतना डालना कि बस ये सारी इसको ना चिपक जाए, ठीक है। इसको हमने करना है फ्राई, तो बस इसको ये लगा के ना इसको एक साइड पर रखते हैं। और यहाँ पर देखिए जी मैंने आलू लिए हैं, आलू को मैंने ब्रीक ब्रीक इसके कतले काट लिए हैं, ये देखिए जी इतने बस मोटे होने चाहिए। और ये देखिए ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है। इसके ऊपर भी हम कॉर्न स्टार्च लगा देंगे अच्छी तरह से, बस ये है कि बस एक लेयर आ जाए। ये देखिए जी बस ये इतने से हल्का फुल्का बस इसको लगाना है। और ये है जी चिकन की जो बोटियाँ हमने मैरिनेट की थी। अब हमें चाहिए जी एक टूथपिक, टूथपिक लेके तो मैं आपको दिखाती हूँ अब इसे हम कैसे अटैच करेंगे। ये दरमियान में इसकी बोटी रखेंगे और इधर से टूथपिक घुसाएंगे, उधर से निकाल लेंगे। ये देखिए जी ये हमारी बटरफ्लाई चिकन रेडी हो गया है। तो बस ये देखिए सिंपल, बस इसके बाद हमने इसे करना है जी फ्राई। और बहुत ही मज़े का बना हुआ था, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। मैंने भी बनाई है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई है। तो आप भी बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के दिया करें, एंटीक चीज़ें जो देखने में लगे बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पे सारे जो बटर चिकन है ना वो रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे लिए जी हमने चिकन की ग्रेवी, जिसे हमने 3-4 हिस्सों में कट कर लिया है सिंपल। इसमें मैंने नमक, मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया, बस ये सब चीज़ें इसमें ऐड की हैं। ऐड करके इसको मिक्स करके तो थोड़ी सी इसमें मैंने जो पुदीने वाली मेरे पास दही पड़ी थी वो भी मैंने इसमें अंदर 2 टीस्पून बस ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद इसे हम लेंगे शास्त्री स्टिक, थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। तो शास्त्री स्टिक लेके तो बस इसको उसमें जी हम क्या कहते हैं परो देंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ हम क्या करेंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा था इसकी शक्ल से ज़रा कि नमक मिर्च कम है, तो मैंने चाट मसाला इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है। अच्छा जी, वो मैंने क्रेजी है मैरिनेट करके उनको शास्त्री स्टिक में भर के रख दिया। ये जो चिकन हमने रखा हुआ था ना सबसे पहले जो हमने मैरिनेट किया था उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसका पहला जो क्लिप है वो मुझसे मिस हो गया, उसके लिए माजरत है। इसके अंदर देखिए जी हम डाल रहे हैं शिमला मिर्च और साथ में प्याज, बस ये दोनों चीज़ें डाल के इसे अच्छी तरह से बस सोते करना है, आपने बिल्कुल भी नहीं कर देना कि कुक हो जाए, मसलन इनका फ्लेवर क्रंची रहे। तो बस इसको मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए हमने कुक करना है। और यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से कुक हो चुकी हैं, तो बस इसे हम स्मोक दे देंगे कोयले की, इससे इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और इसके बाद रेडी करते हैं जी हम एक डो। और यहाँ पे देखिए जी डो के लिए लिया मैंने 3 कप मैदा लिया है, जिसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया जी नमक, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखिए जी इसको दूध से हमने गूंदना है, और बस इसमें मैं दूध डालती जा रही हूँ, इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ना इसे इतना ज़्यादा हमने पतला करना है और ना इसे इतना ज़्यादा हमने गाढ़ा करना है, तो बस इसे मिक्स करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जो दूध होगा वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, वो ठंडा नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरा 3 कप दूध यूज़ हुआ था, तो बस देखिए जी ये माशाल्लाह से कितना प्यारा इसकी सॉफ्ट सी इसकी एक क्या कहना चाहिए स्मूथनेस आ गई है। लेकिन इसे और ज़्यादा हमने सॉफ्ट करना है तो इसे हमने क्या करना है, इसे हमें छान देना है। तो किसी भी छानी की मदद से आप इसे अच्छी तरह से छान लीजिएगा। इसे ये होगा हमने बीटर से अच्छी तरह से मिक्स करने की कोशिश तो की है, लेकिन कोई भी गुठली अंदर कुछ ना कुछ रह जाती है। ये मिक्स करने में शायद आपको नज़र भी आ रही हो कि इसके अंदर कुछ कुछ गुठलियाँ थी, तो बस इसे मैं छानती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए जी यहाँ पे ये सारा जो बैटर था उसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया, अब इसकी स्मूथनेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी इस तरह से ये स्मूथ होना चाहिए। ये देखिए जी अगर दूध आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड करना है तो आप ज़्यादा भी कर लीजिएगा, क्योंकि कप का मेजरिंग का हिसाब हो जाता है। वैसे मैंने मेजरिंग कप ही लिया था।
अच्छा जब आपने इसे छान लेना है तो इसमें मैंने 3 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दिया जी ऑयल। तो ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। यहाँ पे देखिए जी मैंने अपना नोटी की तवा लिया है, बस थोड़ा सा ख़राब हो गया, मैं रमज़ान के बाद नया लेके आऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ऑयल लगा के मैंने उसको अच्छी तरह से उसके साथ टिश्यू पेपर के साथ साफ़ कर लिया और इसको आपने अच्छी तरह से फैला देना, ठीक है। और ये अच्छी तरह से फैला के इसको बिल्कुल आपने मीडियम से बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे रखना है। और जब लगेगा आपको कि नीचे से कुक हो गया, अगर साइड से आपने पकड़ के तो स्पैचुले की मदद से, तो इसको आपने पलट देना। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना प्यारा कुक हो गया है। तो बस ऐसे ही करके तो हम सारी इसकी क्रैप्स रेडी करेंगे और जो फिलिंग है वो इसके अंदर हम भर के तो चीज़ वगैरह लगाएंगे, चिकन क्रैप्स हमारे रेडी हो जाएंगे। तो बस आपको एक दो मैं रेडी करके तो दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही आसान है इसका तरीका और बहुत ही मज़े के बनेंगे। घर वालों को बहुत पसंद आए थे, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। तो पसंद आए तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। बहुत कंजूसी करते हैं आप वीडियो को लाइक करने में। अच्छा जी क्रैप सारे मैंने रेडी कर लिए थे। तो देखिए जब क्रैप को मैंने एक रखा है प्लेट में, तो इसके ऊपर अच्छा यहाँ पे मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो कलेजियाँ हमने रखी थी ना उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था। ये देखिए जी माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुकी है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम बस पास पास ही है, तो जल्द जल्द से ये वाला टाइम ऐसा होता है कि फटाफट से सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जी सबसे पहले नीचे मैंने चीज़ रखा है, जो हमने चिकन की फिलिंग रेडी की थी वो रखी है, ऊपर से दोबारा हम चीज़ रख देंगे। साइड से एक तरफ से कट लगाना है और ये देखिए जी इस तरह से इसे पकड़ के आपने कर देना है जी फोल्ड। और इसके बाद इसे रख देना है जी तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा के, तो बस इसके वैसे कि इसके गोल्डन कलर आ जाएगा, थोड़ा सा ये क्रंची भी हो जाएगा, तो ये रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरह से सारे क्रैप्स रेडी करके तो मैं फटाफट से रेडी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था आज के बस ऐसा होगा कि मैंने जो जगह, लेकिन इफ्तारी का टाइम पास पास आ गया था, मैं थोड़ी सी देर हो चुकी हुई थी। तो फटाफट से बस इसको करते हैं जी क्रिस्पी और साथ साथ ही मैंने दूसरी तरफ फ्राई रख ली है। इसमें देखिए जी थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला है, लहसुन डाल के तो बस इसमें चिकन को काटा हुआ है बारीक बारीक सा और थोड़ा सा सा लंबाई में भी, सॉरी चौरस कटिंग में, क्यूब कटिंग में सॉरी। तो बस इसको डाल के तो अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करेंगे। तब तक मैंने दूसरी तरफ फ्राई में भी ऑयल रख दिया है, तो ये हमने जो बटरफ्लाई चिकन बनाया हुआ था मैंने इसको भी साथ साथ फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इसको भी मीडियम से लो फ्लेम में ही आपने फ्राई करना है, ज़्यादा बिल्कुल तेज़ आँच पर आपने फ्राई नहीं करना, ठीक है। तो बस इसे भी हल्की आँच पर हम फ्राई करते हैं, जैसे कि मीडियम आँच पर फ्लेम पर। तो उधर साथ साथ जो हमारा चिकन है वो उधर फ्राई हो चुका है। उसमें देखिए जी मैंने शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा प्याज और थोड़े से टमाटर मैंने बस ये इसमें डाले हैं। तो डाल के तो इसमें नमक मिर्च सूखा धनिया थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च बस ये डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये भी फिलिंग रेडी कर रहे हैं, ये भी बड़ी मज़ेदार सी आपकी डिश बनने वाली है। थोड़ा सा मैंने नमक और चाट मसाला और थोड़ा सा और ऐड कर दिया था, मुझे था कि कहीं फीका ही ना हो जाए, बस अंदाजा नहीं मैंने इसको मिक्स कर दिया था। तो बस इसे मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है जी 3 टेबल स्पून मेयोनीज और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है केचप। तो इसको मिक्स करके तो बस इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये भी फिलिंग रेडी हो गई है, तो जो बाकी बटरफ्लाई रह गई हुई थी उसका भी मैं फ्राई करती हूँ। अच्छा जी वहाँ पे सब कुछ मैंने फ्राई कर लिया था। यहाँ पे देखिए जी ब्रेड का स्लाइस लिया है जिसके मैंने किनारे उतार लिए हैं। इसे इस तरह से मैं एक साइड पे ये जो चिकन की हमने फिलिंग अभी भी रेडी की है ना एक तरफ लगा के, तो इस तरह से फोल्ड करके हमने पूरा इसे कवर कर लेना है सब तरफ से। तो बस इसी प्याली की मदद से देखिए मैं इस तरह से इसका गोल राउंड बना लूँगी पूरे अपने ये जो पैन है इसमें। उसके बाद सिंपल इसे चीज़ ऊपर लगा के तो इसे कर लेंगे जी बेक। इसकी भी लुक बड़ी मज़े की और बड़ी प्यारी आने वाली है। तो बस यहाँ पे देखिए जी ये सब यहाँ पे रेडी हो गया है और इसके ऊपर डाल दिया जी बस मैंने चीज़ और डाल के, तो बस इसे आपने 5 से 7 मिनट के लिए बेक करना है ऊपर से हीट लगा के, क्योंकि बस सिंपल सब कुछ तो कुक है, ये चीज़ बस मेल्ट होना चाहिए। तो बस जी आज की इफ्तारी भी समझ ऐसी थी कि मैं कुछ कुछ देर हो गई थी, तो यहाँ पे बस मैंने सबको अंदर भेज दिया था। सब कुछ माशाल्लाह से सब कर रही हैं जी रोज़ा इफ्तार और मैं भी अंदर आ चुकी थी। और यहाँ पे जी देखिए जी कलेजी की स्टिक थी और ये देखिए चिकन जो क्रैप्स हमने बनाए हुए थे ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से कैसी चीज़ी और बहुत ही मज़े के बने हुए थे। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।